सो गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर अकाउंट लॉगिंग कैसे किया जाता है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शाम और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल बुम्बा। सो गाइस, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो देखने के बाद ही आप अपना मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर अकाउंट लॉगिंग करके इंस्टाग्राम अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। सो गाइस, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। सो गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में लॉगिंग कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। सो उस वीडियो को देख के आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। सो जैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सो फिर लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगी, क्रिएट न्यू अकाउंट और दूसरा है लॉगिंग। सो अगर आपके पास पहले से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट है तो लॉगिंग के ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिंग कर लेना है। अगर आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे नया यूजर है तो क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर लॉगिंग करने के लिए सो यहाँ पर आपको लॉगिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप लॉगिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगी, फोन नंबर, ईमेल और यूजर नेम, और दूसरा है लॉगिंग विथ फेसबुक। अगर आप चाहे तो फोन नंबर, ईमेल और यूजर नेम की और यूजर नेम टाइप करके, पासवर्ड की और पासवर्ड टाइप करके लॉगिंग के ऊपर क्लिक करके आप लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो फेसबुक से लॉगिंग करना, सो फेसबुक से लॉगिंग करने के लिए लॉगिंग विद फेसबुक के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर लॉगिंग करने के लिए सो यहाँ पर आपको फोन नंबर, ईमेल और यूजर नेम की और आपको यूजर नेम टाइप कर लेना है। अगर आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे फोन नंबर से अकाउंट क्रिएट किया था तो आपको फोन नंबर टाइप कर लेना है। अगर आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे ईमेल से अकाउंट क्रिएट किया था तो आपको ईमेल टाइप कर लेना है। सो फोन नंबर, ईमेल और यूजर नेम की और आपको इन तीनों में कोई भी याद नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट हेल्प लॉगिंग। सो गेट हेल्प लॉगिंग के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर लॉगिंग करने के लिए सो यहाँ पर आपको फोन नंबर, ईमेल और यूजर नेम की और यूजर आईडी टाइप कर लेना है। सो फोन नंबर, ईमेल और यूजर नेम की और यूजर आईडी टाइप करने के बाद सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड। सो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे जो पासवर्ड से अकाउंट क्रिएट किया था उस पासवर्ड यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। सो पासवर्ड की और पासवर्ड टाइप करने के बाद राइट साइड से आई आइकन के ऊपर क्लिक करके आप पासवर्ड देखना चाहे तो सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फोन नंबर, ईमेल और यूजर नेम की और यूजर आईडी टाइप करने के बाद पासवर्ड की और पासवर्ड टाइप करने के बाद सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिंग। सो लॉगिंग के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप लॉगिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सो फिर लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का फेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ इंस्टाग्राम टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स। सो यहाँ पर आप अलाउ करना चाहे तो अलाउ एक्सेस के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप अलाउ नहीं करना चाहे तो नीचे की ओर आप देख सकते हैं डोंट अलाउ एक्सेस। सो डोंट अलाउ एक्सेस के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप अलाउ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपके सामने इस तरह का फेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ इंस्टाग्राम टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स। सो यहाँ पर आपको अलाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप अलाउ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सो फिर लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर डिस्कवर पीपल। सो इंस्टाग्राम का जो सजेस्ट किया हुआ पीपल को आप फॉलो करना चाहे तो फॉलो के ऊपर क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करना चाहे तो लेफ्ट साइड के ऊपर की ओर आप देख सकते हैं एरो। सो एरो के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का होम स्क्रीन ओपन हो चुका है। सो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं वेलकम टू इंस्टाग्राम। अगर आपका अकाउंट देखने के लिए राइट साइड से नीचे की ओर आप देख सकते हैं प्रोफाइल आइकन। सो प्रोफाइल आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। सो जैसे आप प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का प्रोफाइल ओपन हो चुका है। सो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम यूजर आईडी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट, फॉलोअर्स, फॉलोइंग। सो इसी तरह से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर अकाउंट लॉगिंग करके इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन किया जाता है।
सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग को क्या करना है, ये जो वीडियो है इस वीडियो को करना है लाइक। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप लोग करना है कमेंट। अगर इस चैनल पे आप नया हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ साथ साइड पे जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लो, ताकि इस चैनल पे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो मोर इन्फॉर्मेशन, मोर सॉल्यूशन, बेटर टेक्नोलॉजी।